जसवंत सिंह जी मदार बहुत ही सत्कार दे योग मेरे किसान वीरों नौजवान साथियों मेरे बुजुर्गों मेरी मातावां मेरी भैणां सारे तो पहला जो इस किसान मोर्चे दे विच तकरीबन 300 दे करीब जुझारू शहीद होए ने सारे तो पहला मैं अपनी तरफों थोड़ी सारे की तरफों उन्हां दी आत्मक शांति वास्ते एक फतेह की सांझ करूँगा। आप सारे ने बड़े प्यार बड़े सत्कार दे नाल उन्हां किसान जुझारू वीरां नूं जो शहीद होए ने उन्हां दी याद नूं अपने मन च ताज़ा रख के फतेह की सांझ करनी है। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। बहुत लंबा समा 3 महीने 3.5 महीने तो उपर हो गया है। और जो ये लहर पंजाब तो चली सी आज पूरे हिंदुस्तान दे विच मैं हरियाणा तो बिलोंग करदा मेरा डिस्ट्रिक्ट जिला यमुनानगर के नाल एक छोटा जिहा पिंड मंदार है और मैं 2-3 बार इत्थे हाजरी भर के गए सारी संगत ट्राली लैके भी आए सी फिर गड्डी ते आए अज नगर की तरफों असी राशन लैके आए हैं। सो बहुत ही इस सरकार ने जो काले कानून किसानों के थोपे ने वो साढ़े पंजाब दियाँ 31-32 जथेबंदियां उन्होंने जुझारू नेता जो तकरीबन 100 दिन तो उपर हो गए ने जो इत्थे बैठे ने बार्डर ते और मैं उन्होंने एप्रीशिएट करदा मुबारकबाद दिना थोनू सारिया नू क्या वो हरियाणा के किसान ने क्या वो पंजाब के किसान ने क्या वो यूपी के किसान ने क्या वो राजस्थान के किसान ने पूरे हिंदुस्तान के किसानों मैं मुबारकबाद दिना कि तुसी एक ओ संघर्ष आरंभिया जो इस जालम सरकार दियां जो जड़ा ने जो नीह ने उन्होंने हिला के रखेगा। टकात साहब का पिछे बयान आया सी कि 2 अक्टूबर तक तो साढ़े को संघर्ष असी बिढ़िया होया 2 अक्टूबर तक के सारे प्रोग्राम बने हुए ने और कितना लंबा चलना है क्योंकि यह सरकार की बदनीति तुसी सारे काफ़ी समय तो सुनते आ रहे हो कि इस मोदी ने इस अमित शाह ने और जो सेंटर का कृषि मंत्री है नरेंद्र तोमर साढ़े हरियाणा के असी पिंडां दे विच बैनर लाए हुए ने कि JJP का और BJP का कोई वर्कर कोई MLA कोई MP साडे पिंडां विच वड़न की कोशिश ना करे और अगर वो किसी पिंड आउंदा और पिंड दे विच उहदे नाल कोई वधीकी हुंदी है जिन्हों आपां पंजाबी विच कुत्ते खाणी कह दिंदे आ फिर उहदा जिम्मेवार आप होगा। और यही हाल BJP का पूरे हिंदुस्तान च होना है। आप बंगाल च दौड़ी फिरदे ने इलैक्शन वास्ते लेकिन उत्थे वी उहनां नूं पता लग गया कि साडी की हालत होण वाली है। और मैं थानू सारे इस गल की बधाई दिना है पंजाब के किसानों पंजाब दियां सारियां किसान जथेबंदियों हरियाणा के किसानों हरियाणा दियां जथेबंदियों साढ़े बहुत ही जुझारू नेता सरदार गुरनाम सिंह जी चुड़ूनी वो साढ़े पिंडां जक्सर आते रहते हैं पिछे साढ़े टोल प्लाजा से गए और उन्होंने पर कहते जी मेरे पर केस 17 के 18 केस पहला चले ने हूँ फिर सरकार केस बनाई जाती है बनाई जान दो। लेकिन ये जो संघर्ष है ये जो असी काले कानून ने वापस करा के रहना है और थोड़िया सारे जथेबंदियां थोड़े जो एकता है जो थोड़ा सहनशीलता है तुम जो प्यार सारा इस संघर्ष मिल रहे हो
शांतिपूर्वक सरकार बहुत यत्न कर रही है कि थोड़े संघर्ष को तोड़िया जाए थोड़े किवें फुट पाई जाए। लेकिन मैं थोड़ा एप्रीशिएट करना सारे किसानों, चाहे वह हरियाणा के ने, चाहे वह पंजाब के ने, चाहे वह किसी भी स्टेट के ने, सारे बड़े प्यार बड़े सत्कार बड़े शांति दे नाल इस अंदोलन अगे लैके जा रहे हो। और मैं दावे नाल कहना कि तुसी सारे, चाहे कोई राम नूं मनदा, चाहे कोई रहीम नूं मनदा, चाहे कोई गुरु नानक पातशाह नूं मनदा, जिन्हों भी मनदा उहदे अगे सारा बेनती सारे यही बेनती करते हैं कि यह सरकार, ये दिल्ली की सरकार, इहदियां जड़ां हिल चुकियां ने और बहुत छेती ये थोड़े अगे गोडे टेकन वाली है। और मैं दावे नाल कहना, मैं शेर याद आ गया कि इस दिल्ली बारे जदों भाई जैता जी गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज का शीस लैके गए ने आनंदपुर साहब नूं, और एक विद्वान कवि दा उस टाइम का बचन सी कि भाई जैता ने इस दिल्ली नूं की वार दिता सी कि हड्डियां दे पिंजरां ते उसेरे दिल्ली ए महल तेरे ढहणगे, सिखां दी ए वैर ने हुकूम दे एक दिन लेखे देने पैणगे। और जे किसानां दी वैर ने हुकूमत है इहनूं भी लेखे देने पैणे ने। और तुसीं इसे तरह डटे रहो। मैं सारयां नूं मुबारकबाद दिंदा, स्टेज ते साडे बहुत सत्कारयोग नेता बैठे ने। मैं अज पहली बार अज थोड़े विच आया, थोड़े विच बोलिया, दो तीन बार सी आया, लेकिन असी जल्दी मुड़ गए, सर्दी का टाइम सी, समा नहीं मिल सकया। सो आप सारयां दा बहुत बहुत धन्यवाद। एक अपील बहुत करना चाहुंदा मैं, पंजाब दे विच मैं देखदा यूट्यूब ते भी आउंदा कि पिंडां च लोकां ने बैनर लाए हुए ने कि बीजेपी का कोई भी बंदा, चाहे वह श्वेत मर्ग कितने जाता है, तरन चुक जाता है, वो जिथे भी जाते हैं उत्थे उन्हां दी कुत्ते खाणी जरूर होंदी है। और उन्हां नूं लोकां ने पिंडां च नहीं वड़न दिंदे, घरां चों बाहर निकल दिंदे। और यही गल है, ये ध्यान रख्या जे कि हुण इलैक्शन आउणे ने पंजाब दे विच, और साडी हथ जोड़ के बेनती है, असीं पंजाब दे जाणे होणे आ, साडे रिलेशन ने, असीं पंजाब जाणे होणे आ, तो एक कृपा करिया जे, वोट जिन्हों मर्जी पाया जे, लेकिन एक बीजेपी का ख्याल रखियो कि बीजेपी नूं अपने बिल्कुल किसी ने मूँह नहीं लाना, इन्हों किसी ने वोट नहीं पाना, इन्हों किसी ने घर नहीं वड़ देना, किसी महल्ले नहीं वड़न देना। वाहगुरू जी का खालसा, वाहगुरू जी की फतेह।